हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक डिस्कशन करना चाहता हूँ वो टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आप इसको पूरी तरीके से समझ लेंगे। मैंने बच्चों से मिलकर के मेरे को ये समझ में आया कि बच्चों को कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। जब मैंने उस प्रॉब्लम को सर्च किया कि उनको प्रॉब्लम कैसे आ रही है, तो उसको पता पड़ा कि मेरे को कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले उनको लर्न ही नहीं है। तो बच्चों, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, वो आपको हमेशा के लिए लर्न करने हैं और उसको लर्न कराने के लिए ही मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों, ये एक स्पेशल वीडियो है ऑन द फॉर्मूलास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको 100% पता होने चाहिए, वरना आपके पास मैथ्स में 11th में तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, क्लास 12th में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। तो बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस बना करके या फॉर्मूलों को डायरेक्ट आप अभी अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए, जो जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज 2 sin c + d/2 cos c - d/2। उसके बाद बच्चों, अगर साइन सी प्लस साइन डी आता है तो दिमाग पर तुरंत साइन सी माइनस साइन डी भी आता है, तो उसका होता है 2 cos c + d/2 sin c - d/2। अगेन बच्चों, नेक्स्ट होता है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो बच्चों, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 cos c - d/2। तो बच्चों, कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला है उसको लर्न करना काफी आसान का, क्योंकि एक बार दोनों ही उसमें कॉस के टर्म्स आते हैं और एक बार सी प्लस डी बाई टू आता है और दूसरी बार सी माइनस डी बाई टू आता है। तो बच्चों, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हुआ 2 cos c + d/2 cos c - d/2। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है, जैसे आपने देखा साइन सी प्लस साइन डी, फिर आपने देखा साइन सी माइनस साइन डी, फिर आपने देखा कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर आपने देखा कॉस सी माइनस कॉस डी, अब आप देखने जा रहे हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि वो अलग है ये अलग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बता रहा हूं, वही आपको लर्न करना है, दिस इज फॉर कॉस सी माइनस कॉस डी। तो बच्चों, आपको आज के बाद ध्यान रखना होगा, जो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, दिस इज -2 sin c + d/2 sin c - d/2। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में ही लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, दिस इज अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 sin c + d/2 sin c - d/2। तो बच्चों, ये चार तो ये हो गए, आपको ये लर्न करने हैं। इसके बाद बच्चों, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है साइन 2x में, कॉस 2x में। तो बच्चों, अभी आपको बिगनिंग लेवल पे जो साइन 2x का फॉर्मूला लर्न करना है वो है ओनली 2 sin x cos x। तो आपको बच्चों याद रखना है, जो साइन 2x है वो 2 sin x cos x होता है, इसको हाफ द एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। जैसे बच्चों, आपने देखा जो साइन 2x है उसका आपने लिखा 2 sin x cos x, यानी जो 2x था 2x का आगे क्या हो गया, साइन के पास भी x गया, कॉस के पास भी x गया, यानी 2x का आधा क्या हुआ, x हुआ ना। उसी तरीके से आपके पास कोई क्या चाहिए साइन x का बताओ, तो साइन x का आप जरूरत करने पर यूज कर सकते हो 2 sin x / 2 cos x / 2, समझ गया। उसके बाद बच्चों, अगर आपको साइन का फॉर्मूला पता है तो आप साइन 8x का भी लिख सकते हो, साइन 4x का भी लिख सकते हो। भाई 8x का आधा क्या होगा 4x, तो साइन 8x क्या हुआ, साइन 8x हुआ 2 sin 4x cos 4x, साइन 8x इज 2 sin 4x cos 4x, साइन 4x इज 2 sin 2x cos 2x। आई होप ये आपको हाफ द एंगल वाला कंसेप्ट इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों, बच्चे cos 2x में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि cos 2x का कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करना है। तो बच्चों, ऐसे cos 2x के तो आपके पास टोटल 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी आपको 3 तो तुरंत आपको लर्न करने पड़ेंगे। दिस फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकेंड वन इज 2 cos² x - 1, थर्ड वन इज 1 - 2 sin² x। तो बच्चों, आपको cos 2x के तीनों फॉर्मूले लर्न करने हैं, वो तीनों फॉर्मूले मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं। cos 2x का होता है cos square x minus sin square x, अगेन 2 cos² x - 1, अगेन 1 - 2 sin² x। अब बच्चों, आप इस बात को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कहां पे आपको लगाना है cos 2x का फॉर्मूला।
जैसे बच्चों आपके पास दिया गया है कॉमन, आपके पास लिखा होगा अभी 1 प्लस कॉस 2x। तो बच्चों 1 प्लस कॉस 2x में आपका टारगेट ये होगा कि 1 कैंसिल हो जाए। तो अगर हम कॉस 2x का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस 1 प्लस कॉस 2x में आप कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस बच्चों 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। बल्कि आप इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि ये आगे चल के आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, दिस इज 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x में अब आप कॉस 2x का अगर आप 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 वाला लगा देंगे तो 1 1 कैंसिल होने की बजाय ऐड हो जाएगा। इसलिए 1 माइनस कॉस 2x में बच्चों जो लगेगा कॉस 2x का फॉर्मूला वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा और सिर्फ आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर x। तो बच्चों आपको डायरेक्टली लर्न करना है कि 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस 2x जो होगा उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। आई होप आपको ये कॉस 2x का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाय यूजिंग कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाय यूजिंग कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आई होप आपको ये वीडियो अगर आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। और लास्ट में बच्चों जो आपको लर्न करने हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको साथ ही में इसी वीडियो में बता देता हूं। दिस इज 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आई रिपीट, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों क्या वैरायटी बन सकती है, अगर 2 साइन ए कॉस बी है तो 2 कॉस ए साइन बी हो सकता है, अगर 2 साइन ए कॉस बी है तो 2 कॉस ए साइन बी भी हो सकता है। तो बच्चों 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वन इज वेरी इजी, दिस इज 2 कॉस ए कॉस बी डिफाइंड एज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दिस इज द इजिएस्ट वन, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड लास्ट वन इज 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन आप हमारी वीडियो को अगर बार बार देखेंगे और रिपीट करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, ये बच्चों आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। तो आप इसको लर्न करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको होप आई होप आपको फॉर्मूले ये लर्न हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।